वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस फिर से आ गए एक और नए ब्लॉग पे। अभी टाइम हो रहा है 4:30 और तारीख है 21 अक्टूबर। और फिर से रसड़ा मेला का अपडेट देने के लिए आप सबको आ चुके हैं। और चलिए देखते हैं रसड़ा मेला कहाँ तक लगा है, और उसके बाद इसके बाद वाला जो वीडियो होगा उसमें आप सबको दिखाएंगे कि रसड़ा में कौन कौन सा पंडाल कहाँ कहाँ बना हुआ है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स अभी मैं आ चुका हूँ नाथ बाबा के पोखरा के पास, और वो भीड़ देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। अब चलिए आप सबको मेले के अंदर लेकर चलते हैं और दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे नाव वाला We'll be right back.
गाइस रामलीला ग्राउंड के ऊपर से आप मेले का सीन देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है। और यहाँ देख सकते हैं मौत का कुआं जो कि सामने दिख रहा है, और यहाँ से आप देख सकते हैं एक झलक, यहाँ से पूरा ग्राउंड दिख रहा है आप सबको। मेले में अभी ज़्यादा भीड़ नहीं है क्योंकि आज सप्तमी है, अष्टमी और नवमी के दिन बहुत ज़्यादा ओवर भीड़ हो जाता है। और यहाँ रामलीला ग्राउंड में रामलीला देखने के लिए लोगों की भीड़, और उधर देखिए राम जी का रथ है, ये पंपापुरी में श्री राम और लक्ष्मण जी हैं, और उधर जो पीछे दिखाई दे रहा है उधर लंका है जिसमें रावण रहता है। फ्रेंड्स आप सब यहां से देख सकते हैं रावण का लंका, जो कि देखिए अब आप लोग देख सकते हैं रावण अपने लंका में मौज मस्ती कर रहा है, और रावण की आज से उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आप सब मेरे पीछे देख सकते हैं फ्रेंड्स कितनी ज़्यादा भीड़ है। अभी तो ये बस शाम का नज़ारा है, रात का नज़ारा आप लोग देखेंगे तो हक्का बक्का रह जाएंगे। इस बार रामलीला ग्राउंड में बहुत ही तगड़ा भीड़ था, पीछे आप सब देखिए जनता जो आई हुई है वो रामलीला देखने के लिए आई हुई है। देखिए इन लोगों को, अभी उधर आप देख सकते हैं उसके पीछे भी बहुत भीड़ है। फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हैं जो आपको दिख रहा है ये मौत का कुआं है, और मौत के कुआं के बाद से अभी यहाँ से सब झूला स्टार्ट हो गया। ये देखिए ट्रेन वाला, बच्चों का ट्रेन, उधर देखिए बड़ा वाला झूला दिख रहा है, उसके पीछे उसके थोड़ा सा और आगे आप लोग देखेंगे तो रेंजर झूला दिखेगा, उसके बाद इधर थोड़ा सा और पीछे देखेंगे तो ब्रेक डांस। देखिए बड़ा वाला झूला देख लीजिए आप लोग, चलिए आप लोग देखते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
ये देखिए फ्रेंड्स, बच्चों का टॉकिंग टॉम, टॉमी वाला झूला, जो कि बहुत ही मस्ती कर रहे हैं बच्चे, आप लोग देख सकते हैं। इधर का व्यू देखिए बहुत ही खूबसूरत आ रहा है। और यहाँ पे मेरे एक भाई मिल गए हैं जो कि टैटू मास्टर है। कहाँ से आए भैया? नहीं बनवाता भाई, कहाँ से आए भैया ये बताइए। बलरामपुर से, जिला बलरामपुर से। बलरामपुर से तब टैटू का प्राइस क्या है? डिजाइन के ऊपर है भाई। अच्छा, ये वाला जो है हार्ट बीट जो बना है, हार्ट बीट कौन वाला? ये वाला। हाँ हाँ वही भाई, चंदन। चंदन का दाम 350 रुपया है भाई। 350। टैटू एकदम फिनिशिंग बन रहा है ना? फिनिशिंग कर रहे हैं। अभी कितना बना है लमसम? लमसम इस समय अभी कोई कस्टमर आता ही नहीं भाई। अरे आएगा भाई, ऐसे हौसला नहीं हारा जाता है। हम हार नहीं रहे भैया। अरे आएगा आएगा, आपका वीडियो अभी पड़ेगा और उसके बाद सब लोग आएंगे भैया। आपके साथ ही क्या? हाँ ये साथ। गाइस देख सकते हैं रसड़ा मेला में यही है, बाकी सब झूला वाला को तो मैंने दिखाई दिया, बाकी मेले में जो चीज़ लगा हुआ था वो सब को भी दिखा दिया। अगर कुछ छूट रहा है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो और मुझे बता सकते हो कमेंट में कि क्या छूट रहा है। कोई ऐसा झूला जो कि मैंने ना दिखाया हो तो मैं उसको भी दिखा दूँगा। खैर मैंने सारे झूलों को लमसम कवर कर लिया इस वीडियो में, साथ में मेले को भी दिखा दिया अच्छी तरीके से। ये देखिए इधर लेडीज लोग का सामान मिल रहा है, हर माल 10 रुपये 10 रुपये, और इधर 200 रुपया, देख सकते हैं आप। फ्रेंड्स आप सब देख सकते हैं ये लोग रावण के सैनिक है, और सबसे आगे जो दिख रहा है वो रावण का लड़का मेघनाथ है, और ये लोग जा रहे हैं रावण के आदेश पर हनुमान जी को मारने के लिए। हनुमान जी जो श्री प्रभु श्री राम जी के संदेश वाहक बन के आए थे रावण को समझाने के लिए। तो गाइस इस वीडियो में मैंने रसड़ा मेला का फुल टूर वीडियो दिखाया है, और जो भी पार्ट आपको अच्छा लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ में आप रसड़ा मेला को देख सकते हैं, पूरी तरह लग चुका है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। इस ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं और जल्दी एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग को मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।